ड्राई फ्रूट आइसक्रीम, इसके लिए मैंने ये ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, इनको मिक्सी में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। और फ्राई पैन रख दिया गैस के ऊपर, इसके ऊपर हम डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे चीनी को। इसमें कुछ नहीं डालना है हमने, पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, आइसक्रीम बनाएंगे। आइसक्रीम थोड़ी मीठी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसके लिए हमने चीनी को थोड़ा ज़्यादा लिया है। और इसको गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, ताकि हमारी चीनी नीचे से जल ना जाए, इससे हमारा टेस्ट भी ख़राब हो। और लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती है। देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, गैस की फ्लेम को हम करेंगे बंद। देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने ये 4 चम्मच हमने लिया है मिल्क पाउडर, आप इसकी जगह आपके पास मावा हो मावा भी ले सकते हैं। इसको हम डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसे पहले घोल लेंगे। ठंडा दूध लें, ज़्यादा नॉर्मल, ज़्यादा ठंडा भी ना हो और गर्म भी ना हो, तब इसको घोलेंगे। इससे ये है जो मिल्क पाउडर हमारा अच्छी तरह से घुल जाएगा। दूध और मिल्क पाउडर हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे ऑन और लगातार चलाते हुए इसको हम पका लेते हैं, गाढ़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। पूरा 1 गिलास मैंने दूध इसमें ऐड किया। सूरजमुखी के बीज लिए, ये कद्दू के बीज है, ये पिस्ता लिया थोड़ा सा, थोड़े बादाम लिए। इनको हम मिक्सी में डाल के देंगे, जो ड्राई फ्रूट हमने दरदरे से पीसे थे उनको डाल देते हैं इस तरह से। देखिए मैं हरी इलायची भी डाली है, मैंने हरी इलायची बताना आपको भूल गई थी, इसलिए वो भी डाली। अब हम इसको सबको मिक्स कर देंगे इस तरह से, क्योंकि हमारी ये ड्राई फ्रूट आइसक्रीम बन रही है, तो ये इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे, ताकि ये खाने में अच्छी और टेस्टी बने इस तरह से। देखिए इसको बनाना बहुत आसान है, ये बहुत ज़रा फटाफट से बन जाती है इस तरह से। देखिए गाढ़ा भी हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को करेंगे बंद, ताकि तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इस जमने के लिए रखेंगे। देखिए इस तरह से कोई डब्बा ले लेंगे, इसमें हम जमाएंगे आइसक्रीम को, इसमें थोड़े से डालेंगे ड्राई फ्रूट नीचे डालेंगे, ताकि जो हमारी आइसक्रीम जब निकलेगी बाहर तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छी लगेगी इस तरह। आप लोग अगर ड्राई फ्रूट ना डालना चाहें तो ना डालें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। हमारे घर में ये सबको ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको डाल दी। अब हम इस तरह से कोई भी सिल्वर फाइल ले लें, या आपके पास कोई थैली हो, इस तरह से ढक दें, इस तरह से हम कवर कर देंगे और इसे लगाएंगे, हम इसका ढक्कन लगा के फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। चलिए हमारी अच्छे से जम चुकी है, देखते हैं निकाल के कैसी सेट हुई है। इस तरह से खोलेंगे, वाह देखिए कितनी बढ़िया जम के हमारी तैयार है। इसे थोड़ा सा नीचे से हम रखेंगे पानी के अंदर, उसके बाद निकालते हैं इसे। देखिए आइसक्रीम को हमने निकाल दिया है, कितनी अच्छी से हमारी सुंदर आइसक्रीम बनके बिल्कुल तैयार है। चलो एक मैंने इसमें भी जमाई थी, इसको निकाल देती हूँ। देखिए इस तरह से कितनी मलाई कुल्फी बन के बिल्कुल तैयार है। इस तरह से आप भी बनाइए और खाइए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी कुल्फी हमारी बनी है। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ।